बाद में कार्यकर्ताओं में और लोगों में उम्मीद है अब नए सिरे से कुछ फेरबदल होगा, नए युवाओं को मौका मिलेगा, क्या मानते हैं? देखिए, कार्य समिति की मीटिंग हुई है, उसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, चर्चाएं हुई हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अध्यक्षा और कार्य समिति ने जो निर्णय लिया है उसका पालन पूर्ण रूप से पूरी पार्टी करेगी। चुनाव की घोषणा हुई है और हम सबका जो उद्देश्य यही है कि आने वाले जो 2 उपचुनाव राजस्थान में हैं उस पर पूरा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वल्लभनगर और दरियाबंद दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और आने वाले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहाँ पर भी कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगी। आज प्रियंका गांधी जी लखनऊ गई हैं, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा हम सब इस बात के गवाह हैं। पिछले 7 सालों में हर मोर्चे पर वो सरकार विफल रही है और जो बातें कही गई, जो भाषण दिए गए, जो मैनिफेस्टो में हमने बातें रखी गई उन सब पर आज काम नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसानों के प्रति जो उनकी बेरुखी है, जिस अत्याचार के माध्यम से किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है भाजपा और केंद्र की सरकार, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। हम लोग अपनी बात उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई दल है जो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे सकता है वो कांग्रेस पार्टी है। हम सब कांग्रेस के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि नौजवान हो, उनके रोज़गार की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों को आज पूरे देश में किल्लत हो रही है, खाद की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, तो केंद्र की सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं। हम सब चाहते हैं कि ये सरकार लोगों के प्रति अपनी बेरुखी ख़त्म करे, लोगों के काम करे। हम लोग जनता के मुद्दे हमेशा उठा रहे हैं, हर मोर्चे पर हमारी पार्टी चाहे पक्ष में विपक्ष में हो लेकिन जनता के साथ खड़ी है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है सर, महंगाई को लेकर पूरे देश में जिससे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, देश में पहली बार हुआ है गैस का सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, 950 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया है। कोई वक्तव्य केंद्र सरकार का नहीं आ रहा कि हम ये महंगाई को कम करेंगे। इतनी भुखमरी आज पूरे देश दुनिया में, जो भारत की रैंकिंग है हंगर इंडेक्स में, लगातार हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। हर मोर्चे पर उद्योग हो, अर्थव्यवस्था हो, रोजगार देने की बात हो, महंगाई